वेलकम बैक टू माई चैनल. सो इट्स डे 6 ऑफ 30 डेज 30 ब्लॉग्स. और कल है शिका का बर्थडे, तो हमने सोचा कि हम आज उसके लिए केक बनाते हैं. तो अभी हम जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा बहुत सामान लेने, कुछ तो हमारे पास है. हाँ, तो अभी शॉप पे जा रहे हैं मैं और ये. एक ला भी सकते हैं, बट हैंडमेड में थोड़ा वो है ना, एक वो रहेगा, हमने उसके लिए एफर्ट्स करे हैं, अच्छा अच्छा लगेगा. ऐसे तो वो है एहसान फरम, बट हम फिर भी उसमें बहुत बड़ा एहसान कर देंगे, ऐसे फेंक के मारेंगे उस पर एहसान. तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं. ओके, लेट्स गो. इसी में ले ले. सो यहाँ पे हमने अपना केक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है. ये मशीन तो ठीक है, बट इसका जो जार है ना वो ठीक होने गया, तो हम इसको कैसे ग्राइंड करेंगे आप देखना. और यहाँ पे हमने रख दी है अपनी चॉकलेट मेल्ट होने के लिए. ठीक है, मैंने दिखा दिया. ओ गोली शेफ, आज कुछ ना कुछ तो बना के छोड़ेंगे. आज ऐसा लग रहा है केक नहीं, कुछ और ही बना के छोड़ेगी. अभी मैंने ना 2-4 दिन पहले बनाया था, वो इतना टेस्टी बना था, मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व फील हुआ था. और गाइस पता है, केक ना मैं बनाने वाली थी, बस इसको चुल मच रही है कि ये बनाए. नहीं चुल मच रही है, तो मैं बनाती बना. मैं बिना मिक्सी के तू कैसे बनाती, चल बता. मैं कुछ ना कुछ तो खाई थी, कुछ ना कुछ तो मैं करती. टेस्ट सजेशन ले लेती, तू बता देती. और क्यों, तो दूंगा अपना सजेशन. इसने केक बनाया, इसने ना केक का सी भी नहीं बताया हमें कि इसने केक बनाया. इस प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, बट जिसके पास जा रहा है उसके लिए इजी. ये रियल एफर्ट्स करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर लो बिना जार के. तो इसको अच्छे से फेंटना है हमें. और इसमें ना अभी काफ़ी परिवर्तन आ गया है. हाँ सो गाइस, अभी हमने ना इसमें बस ये बिस्किट पीस के डाले हैं, बिस्किट डाले, उसमें दूध डाल के बैटर बना दिया. बैटर में हमने थोड़ा सा कैश्यू डाल दिया और हाँ वो डाला है बेकिंग. अभी बेकिंग नहीं, बेकिंग सोडा डाल रहे हैं. बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर. अगर आप पे बटर पेपर ना हो ना, तो हमने दो ड्रॉइंग की शीट्स ली, अच्छी तरह बटर लगाया और साइड में लगाया, तो वो हमारे घर ही बटर पेपर. सो गाइस द केक इज रेडी और अब है इसे सही सलामत निकालने का टाइम. हम इसमें ना शुगर सिरप डालने वाले हैं, इसलिए इसमें हम थोड़े से होल कर रहे हैं. अब हम इसमें ये चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं. यार ये ब्लैक नहीं हुई, एकदम ब्लैक हो जाती है वो चॉकलेट सिरप उनकी, बिल्कुल कवर कर दे साइड में से भी. बिफोर को हमने ना ऐसे ट्रायंगल शेप में काट लिया और इसे ऐसे डेकोरेट कर दिया. और ये ना हमने वो बिस्किट के वो निकाली थी ना क्रीम, उससे हमने ये गोले बना दिए. गोली इन बॉल को इसमें वो कर दूँ, बस सारे पे चॉकलेट ही चॉकलेट हो जाएगा ना. अच्छा लगेगा. एक चॉकलेट, एक चॉकलेट है कैसा. हाँ गाइस दिमाग तो टैलेंट देख रहे हो, हमारा टैलेंट अच्छी केक शॉप खुल ले मिल के. तो ले इसे रख दे, फिर हमने कुछ तो बना लिया है और फिर भी बहुत सही है भाई, है ना. हम चाहते हैं उसे हमारे एफर्ट्स दिखे कि हम उसके लिए कुछ करते हैं, उसे लग रहा है हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे. पहली वाली चीज़ का लगानी
दीजिए अपनी जिंदगी से उजाला क्यों खराब कर रहे हो भाई, समझ रहे हो? तो इसलिए कैंडल पहले बुझा दी, पहले तो कलाई। मैंने इससे कहा था, कह रही चल लगा दे कोई बात नहीं, पर नहीं लगानी चाहिए, अपनी जिंदगी से उजाला ही बुझा रहे हो, और क्या करेगी। शाम से लग रही है ना, क्यों ना खाना। वैसे कितना दिमाग है ना, मैंने दिया था दिमाग। मिल बांट के सर, वैसे मेरा उसका ज्यादा था, ये भी था कि ले आते, पर हमने कहा बनाएंगे तो ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, एफर्ट्स दिखाने थे। आप तो बड़े स्टाइल में बोल रही है, एफर्ट्स दिखाने थे। मुझे अच्छा लगा ऐसे, मुझे सच में नहीं था लगा। पहले छुपा के आ रखा था, कहाँ छुपाया था, पहले तो बना के फिर किचन में ही कहीं घुसा रखा था, और फिर फ्रिज में घुसा दिया। हम इसकी ना वो ले रहे थे अंदर फोटो, जब ये किचन में गई ना खिचड़ी वो खाना लेने, मैं कह रही बॉल खा जाएगी वो, सौ में रखे बॉल खा जाएगी। मैं इसे खाने वाली थी, मैं तो अंदर के लिए रख के चली गई बैग्स के लिए। हम अंदर इसकी फोटो ले रहे, गेट खोला, हमें लगा कोई आ गया, आसी लेके केक बग्गी। कहाँ छुपाओ, कहाँ जगह तूने अपनी अलमारी में लॉक कर अलमारी में रख दिया। गाइस पता है लवी के बर्थडे पे ना मम्मी ने यहाँ कितना मोटा पिंपल होता था, और कल इसका यहाँ फोड़ा हो गया। देख झाकू ना। हाँ तो मतलब मुझे अच्छा लगा, एक्सपेक्टेड नहीं था, और अभी मैं मम्मी को अंदर टॉन्ट मार रही थी कि उसके बर्थडे पे तो केक कटवा दिया और मेरे पे नहीं कटवाया, बल्कि इसके पे ज्यादा बेटर हुआ, हमने एफर्ट्स करे, इसके पे तो काट फूट दी। हाँ, और शायद हम मतलब ये बातें करते हैं, पर अगर बाहर से केक आता, अगर बाहर से केक आता तो मुझे अच्छा लगता, बट इसमें मुझे लगा कि हाँ इन दोनों के एफर्ट्स डले, मेहनत करी, मेहनत करी। पहले इसका सामान ले गए थे, पता है था भी नहीं कुछ, नीचे घूम ना आएगा, मौका तो मिलता नहीं है। वो कह रही है हदम तो कहीं नहीं, कह रही है हदम जादी, हदम जादी भी नहीं, हदम जादी। हाँ तो अरे बहुत अच्छा लगा इससे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, यार अच्छा तो लगा, वैसे ऐसे पता चल रही है थोड़े से जार खराब था उसका, जार में नहीं करा, ये हमने बेलन मार मार के कूटा ये पूरा वो। आप कैसे कूटा ये, अच्छा रेसिपी भी मेहनत करिए। सो गाइस ये था आज का व्लॉग, और अब हम इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे, मैं आपसे मिलूंगी कल, और अच्छा लगा तो क्या करना है वो तो पता ही है आप सबको, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।